देश को आज़ादी मिलने 75 साल होते आ रहे हैं, लेकिन इस देश का किसान अभी भी गुलामी में जी रहा है और कर्जबाजारी होकर आत्महत्या कर रहा है। यह आत्महत्या का सिलसिला कहीं भी रुका नहीं है। अभी गांधी जिला वर्धा में अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन बड़े पैमाने पर हुआ, जिसमें करोड़ों रुपए खर्च हुए, लेकिन किसानों की आत्महत्या के रोकने के लिए किसी ने भी कुछ नहीं कहा। किसानों की आत्महत्या रुक जाए, किसान समृद्ध होए, कृषि समृद्ध होए, इस पर किसी ने भी विचार नहीं रखे। महंगाई की मार जनता झेल रही है, महंगाई दिनों दिन बढ़ रही है, जीवनावश्यक दवाइयों के भी भाव अनाप शनाप बढ़ गए हैं, उसी तरह सभी प्रकार की चीज़ों के, खाने की चीज़ों के भाव बढ़ गए हैं, जनता परेशान है। वो भी विषय अभी सम्मेलन में नहीं निकला। साहित्य नगरी में साहित्यिकों ने ये बात उठाना चाहिए था कि किसानों की समृद्धि के लिए हमको आगे आना है, देहातों की समृद्धि के लिए हमको आगे आना है, गरीबों को गरीबी न रहे और रोजी रोटी मिले, मकान मिले, इसके लिए हम अपने लेखनी में सब कुछ बताएंगे गवर्नमेंट को, सरकार को, और देश को समृद्ध करेंगे। जय जवान, जय किसान, भारत माता की जय, जय महाराष्ट्र।